हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ज्यादा खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी डीटेन पैक जो मैं अप्लाई करने वाली हूँ। आज उसके बारे में बताऊंगी डीटेन क्या होता है, डीटेन किस तरह से यूज किया जाता है। तो मैंने जो डीटेन लिया है वो है गुड वाइब्स का एंड ग्लो फेस मास्क, कॉटन मास्क है ये, 50 ग्राम का पैक है मेरे। क्लेम करता है कि ये आपकी स्किन को अच्छे से ग्लो करता है, आपकी स्किन से टैनिंग रिमूव करता है, डर्ट को, अनइवन स्किन टोन को इवन करता है, डर्ट को रिमूव करता है। चलिए पहले इसको अप्लाई करते हैं। इसको आपको लगाना, अगर आप सिंगल यूज करते हैं तो आप अपनी उंगली का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप ये सेम प्रोडक्ट किसी और को भी अप्लाई करने वाले हो तो आप ब्रश का यूज करें। सबसे पहले तो आप अपना फेस क्लीन करेंगे। लगा रही हूँ, स्किन पे जितना भी डर्ट होता है ना, फिर रिमूव करता है, बशर्ते आपको इसकी सेटिंग्स लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट एक बार लगाया और सोचो कि बस चमक जाए फेस एकदम से, तो ऐसा नहीं होता है। आपको कम से कम इसको वीक में एक बार तो यूज़ करना ही चाहिए। यूज़ करती हूँ मैं खुद भी इसको वीक में एक बार यूज़ करती हूँ। ज़्यादा अगर टैनिंग किसी किसी को हो जाती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है तो ज़्यादा टैनिंग हो जाती है ना, उनको धूप में जरा सा भी चले जाएंगे तो अलग सा ही फेस हो जाता है। मुझे धूप से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, फेस पे इवन हाथ पे भी बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है। तो आप इसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इसको सिर्फ वीक में एक बार यूज़ करती हूँ। इसको आप आइज़ के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो डीटेन के प्रोडक्ट्स वो 3+ है, मैंने सुना था कि उसमें थोड़ी सी टिंकलिंग टाइप की होती है, बट इसमें बिल्कुल भी टिंकलिंग टाइप का नहीं है। अगर आप लगाते हो ना तो उसके बाद थोड़ा सा ठंडक सी फील होती है, बहुत अच्छा सा लगता है मुझे तो लगाने के बाद, मज़ा आ जाता है। इसकी जो टाइमिंग है कम से कम 20 मिनट का इसमें दिया हुआ है कि आप 20 मिनट तक इसको रख सकते हो, बाकी नॉर्मल जो डीटेन होते हैं 5 मिनट 10 मिनट के लिए ही होते हैं। ऑल स्किन टाइप है, आप ऑल स्किन पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। मेरी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है, इसको आप लिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर लिप्स पे भी डार्कनेस है और क्या कहते हैं डार्क सर्कल है तो आप उसके लिए इसको बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आपकी टैनिंग को करेगा। मैं बहुत हल्का सा यूज़ करूँगी, लेकिन लिप्स पे लगाने के बाद थोड़ी सी टिंकलिंग करता है, क्योंकि लिप्स की जो स्किन होती है और हमारे फेस की स्किन होती है वो काफ़ी अलग होती है। अभी मैं प्रॉपर भूख बन चुकी हूँ, अडर के भाग में जाना, ठीक है पूरी वीडियो देखना, बच्चे होते ना भाग जाते देखते हैं। तो गुड वाइब्स के जो प्रोडक्ट होते हैं, नो पैराबेंस, नो मिनरल ऑयल, नो सल्फेट, नो एनिमल टेस्टेड, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है जो आपकी स्किन को हार्म करे। बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ ये जो है इसको बनाया गया है, एंड ऑल स्किन टाइप है, आप किसी भी तरह की स्किन पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले आपको पैच टेस्ट जरूर करना चाहिए, ठीक है, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी। ऐसा नहीं कि आपने देखा मेरी वीडियो को और आपने मेरी क्या अगर किसी की भी वीडियो तो हमें लगता है कि हाँ ये सही है, हमें सूट कर गया तो आपको भी करेगा, जरूरी नहीं है। तो बड़ा वाला पैक खरीद लेते हैं लोग वीडियोज़ देखने के बाद, तो ऐसा ना करें, इसका छोटा पैक लें एंड आप यहाँ से लेकर पैच टेस्ट करें, पहले 10-5 मिनट छोड़ें, ज़्यादा देर नहीं छोड़ना होता है, एंड उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट कैसा है। बाकी जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 1 मंथ से इसको यूज़ कर रही हूँ और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है। नेक्स्ट टाइम मैं इसका बड़ा पैक लेने वाली हूँ तो वो भी आपको दिखाऊंगी। बात कर लेते हैं तो इसके जो प्राइस मेंशन है वो 275 रुपीज़ मेंशन है, बट आपको इससे कम में ही मिलेगा। आप इसको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नायका किसी भी वेबसाइट से ले सकते हैं, अदरवाइज इसकी गुड वाइब्स की खुद की वेबसाइट है गुड वाइब्स से, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं एंड बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं पहले बता दूँ, ये मेरी खुद की परचेजिंग है, अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो मैं बिल भी दिखा दूँगी, ठीक है। ये पैक बहुत पसंद है, मैं लगभग 1 महीने से इसको यूज़ कर रही हूँ, और आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिएगा, उसमें मेरा जो देख लीजिएगा बिफोर एंड आफ्टर लुक भी आप देख लेना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है इसका अगर हम सिटिंग्स लेते हैं तो। ऐसा नहीं होता कि एक बार यूज़ किया और बस उसका रिजल्ट आ गया, तो ऐसा कहीं भी होता है। अब बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स भी ले लोगों ने तो आपको उन सबकी सिटिंग लेनी पड़ती है। जब भी हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं तो हमें होम केयर भी लेना चाहिए, केयर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, SPF तो जरूर ही यूज़ करना होता है, SPF आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, SPF हमेशा यूज़ ही, जब धूप होती है तो घर में भी थोड़ा सा जो सनराइज आती है उसकी वजह से भी टैनिंग हो सकती है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। टैनिंग को रिमूव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपका फेस पूरा खराब। चलिए 15-20 मिनट मैं वेट करती हूँ एंड उसके बाद आपके सामने ही मसाज करके इसको उतारूंगी। तो खुलते हो चुकी हूँ, मेरा फेस हल्का हल्का सा फील हो रहा है, ड्राई थोड़ा सा नहीं हुआ है, तो टाइमिंग कंप्लीट हो चुका है 15 मिनट का और बाकी 5 मिनट में मसाज करूंगी। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर पानी हल्का सा, हाथों को गीला करेंगे एंड इसको सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे। एक चीज़ और बता दूँ आपको, जब भी पैक एप्लीकेशन करते हैं तो आपको बोलना नहीं होता है, बट मुझे यहाँ पे वीडियो बनानी थी इसके लिए मैं बोल रही हूँ, बता रही हूँ। मैं वॉइस ओवर भी कर सकती थी बट कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैंने कहा चलो और लगे हाँ चिट चैट वीडियो बना लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना ये सब करने से कुछ नहीं होता है, ये सब ये लगाओ वो लगाओ कुछ नहीं होता है, फेस और बेकार हो जाता है, तो मैं उन लोगों से कहूँगी बस इस पैक की आप 2 या 3 सीटिंग लेकर देखें, मेरे कहने से एक बॉक्स आप ले लें छोटा वाला एंड उसको अप्लाई करके देखें, उसके बाद मुझे बताएं कि क्या ही रिजल्ट आया है। इसका रिजल्ट मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। रिटर्न पैक आप लिप्स पे और आइज़ के अराउंड नहीं लगा सकते, बट ये वाला आप यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने खुद यूज़ करके दिखाया है आपको, ऐसा नहीं है कि मैं बस बोल रही हूँ,
और देख सकते हो कि मैं खुद बोल रही हूँ, बता भी रही हूँ और करके दिखा भी रही हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैंने स्पॉन्ज और इसी से मैं क्लीन कर दूँगी। आप वेट वाइप से भी यूज़ कर सकते हैं। पीछे देख लो और फेस, और अभी देखो कितना ग्लो आया है ना। मैं कोई भी फिल्टर अप्लाई नहीं करती हूँ। आप मेरी मेकअप की वीडियो भी देखोगे ना तो उसमें भी मैं कोई फिल्टर अप्लाई नहीं करती हूँ, और ना मैंने यहाँ पे कोई फिल्टर अप्लाई किया है। क्लीन कर लिया है पूरा और फेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड इसके बाद मैं फेस को मॉइस्चराइजर करूँगी। जब भी आप ब्लीच करते हैं या डिटेनिंग करते हैं तो उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी भी ये स्टेप आप छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। कहने से आप एक बार इस गुड वाइब्स डीटेन पैक को यूज़ करके देखिए, अगर ग्लो नहीं मिला पहले से एक बार यूज़ करके देखो, पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, थोड़ा सा अपनी फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।